हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सच्चे और सुच्चे आज के रसूल थे। आपका एक ग़ुलाम था यास और उनका एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद। सारी ज़िंदगी सुल्तान साहब की खिदमत करता रहा। आखिर सुल्तान साहब ने भी जब उन्हें बुलाना, बड़े अदब से कहना, ऐ बेटे मोहम्मद, ऐ बेटे मोहम्मद, ये काम करो, ये काम करो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपने नाम मोहम्मद कह कर ना पुकारा, बल्कि कहा यास के बेटे मेरा ये काम कर दो। काम तो कर दिया, लेकिन नाम मोहम्मद वाला शख्स वो अपने बाप की खिदमत में चला गया और जाकर कहने लगा कि बाबा आज सुल्तान मुझसे खफा है, आज सुल्तान मुझसे नाराज़ है। अय्याज ने कहा कि बेटा हम तो सारी ज़िंदगी उनकी ग़ुलामी करते रहे, वो किस तरह आपसे नाराज़ हो सकता है। कहा कि बाबा सारी ज़िंदगी जब से उनकी ग़ुलामी का पटा अपने गले में डाला है, वो मुझे मोहब्बत से कहते थे ओ मोहम्मद ये काम करो, लेकिन आज मुझे मोहम्मद नाम से ना पुकारा, बल्कि कहा कि वो अय्याज के बेटे ये काम करो, ये काम करो। हुजूर मैंने काम तो कर दिया, लेकिन मैं बेचैन और परेशान हूँ कि आज बादशाह मुझसे क्यों खफा है। अय्याज बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और सुल्तान महमूद के दरबार में खड़े होकर हाथ बांध कर कहता है, ऐ सुल्तानों के सुल्तान, सारी ज़िंदगी हम आपके दरबार के नौकर रहे और सारी ज़िंदगी नौकर रहेंगे, लेकिन हुजूर ये बताओ कि आज मेरे बेटे से क्यों खफा हो। तो कहा कि मैं तो कोई खफा नहीं हूँ। बेटे को बुलाया और कहा कि ये तो खफा नहीं है। तो कहने लगे कि बाबा बात ये नहीं है, बात ये कि सारी ज़िंदगी ये मुझे नाम मोहम्मद से पुकारते रहे और अदब से बुलाते रहे, लेकिन आज इन्होंने नाम मोहम्मद कहकर नहीं बुलाया। कहा कि यास के बेटे आ जाओ, मेरा ये काम कर दो। जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू जारी हो गए और वो रोए, इतने रोए, हिचकियां बन गई। दरबार के सारे दरबान परेशान होकर खड़े हो गए, आज बादशाह को क्या हुआ, आज क्यों हमारा बादशाह रो रहा है। तो जब हजरत सुल्तान महमूद गजनवी से ये पूछा, हुजूर आपके रोने की वजह क्या है, तो आपने कहा कि मैं इससे नाराज और खफा नहीं हूँ, बल्कि असल वजह यह है कि जब मैंने इसे बुलाना चाहा, मैं उस वक़्त वजू के साथ नहीं था, मैं बेवजू था, तो मेरे इश्क ने, मेरी मोहब्बत ने गवारा ना किया कि मैं अपने आका का नाम अपने लबों पर बगैर वजू के लेकर आऊं। मेरे इश्क ने गवारा ना किया कि बगैर वजू के मैं अपने लबों पे नाम मोहम्मद लेकर आऊं। तो ये होता है इश्क की बात। और जिन लोगों ने हुजूर से इश्क किया, जिन लोगों ने हुजूर से प्यार किया, खुदा की कसम वो कोई सुल्तान बाहू बन गए, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बन गए, कोई हजरत दाता साहब बन गए, कोई हजरत ख्वाजा अजमेरी बन गए, कोई हजरत पीर मेर अली बन गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर से इश्क किया था और अल्लाह ने फिर इनसे वादा किया कि मन अमला सालिहं मिन अमल मन अमला सालिहं फला नुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, कि जो बंदा नेक अमल करता है मैं उसे हमेशा पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देता हूँ। कि आज देख लो हुजूर दाता साहब की शान देखो, हजरत मियाँ मीर का मकाम देखो, हजरत शाह जमाल का मकाम देखो। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने जिक्र इलाही के बाद इश्क मुस्तफ़ा अपने सीनों में बसाया था। और हमारी ज़िंदगी की कामयाब तरीन जो रास्ता है वो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का प्यार है। और आप ये समझें, आपने नमाज पढ़ी, आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि मेरी नमाज कबूल हो गई। आपने हज पढ़ा, आप दावा नहीं कर सकते कि मेरा हज कबूल हो गया है। आपने माल से ज़कात दी, आप दावा नहीं कर सकते कि आपकी ज़कात कबूल हो गई है।
तमाम इबादतें जितनी भी इबादतें हैं तमाम पर आप फख्र से नहीं कह सकते कि मेरी इबादत कबूल हो गई, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा इश्क मुस्तफ़ा एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में कबूल ही कबूल है। इंशाअल्लाह ताला मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ और अब दुआ की तरफ हम चलते हैं। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।